नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में आज बड़ी इलायची की बात करेंगे साथ में भूटान की कुछ इन्फॉर्मेशन है निर्यात की और बड़ी इलायची की उस पर भी चर्चा करेंगे लेकिन दोस्तों चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा लगता हो वीडियो शेयर कर लाएगा तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भूटान की कि भूटान में क्या सिचुएशन देखिए जो इलायची आती है आपको ही पता है या तो आसाम की साइड से या नेपाल से या फिर भूटान से तो आज भूटान की बात करते हैं जो मैंने बोला है जो प्राइस भूटान के जो मैंने आपको बताए हैं कि चौदह से लेकर के पंद्रह सौ तक का भाव वहाँ हो गया है और बांग्लादेश जो है ज़बरदस्त तरीके से निर्यात हो रहा है मतलब चौदह और 1500 के भाव खुलने की बात थी लेकिन 1500 में ही वहाँ परचेजिंग स्टार्ट कर दी बांग्लादेश वालों ने तो मतलब के यूँ मान लीजिए कि भूटान का माल अपने लिए मतलब भारत के लिए बिल्कुल ना हो गया है बिल्कुल भी माल भूटान से भारत में नहीं आने वाला क्योंकि इतना माल तो था भी नहीं जितना के ज़्यादा इंडिया में आ सकता भारत में आ सकता और जो माल वहाँ अब जो बचा हुआ है वो बिल्कुल जीरो हो गया है क्योंकि मैक्सिमम माल जो है बांग्लादेश की तरफ निकलना चालू हो चुका है मेरे हिसाब से दो या तीन दिन में तो माल जो है भूटान का ख़त्म ही हो जाना चाहिए क्योंकि वहाँ से भारत तो अब आना ही नहीं है और भूटान सारा माल ले जाएगा और साथ में देखिए अगर भूटान के अंदर से माल लिया जा रहा है और बांग्लादेश जा रहा है तो दूसरे देशों का रुख जो है भारत की तरफ ना हो ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि ये आपको भी पता है आगे उनके फेस्टिवल्स हैं तो उसके लिए इनकी जो परचेजिंग है वो बहुत तेज हो रही है अब बांग्लादेश का भूटान से लेने का कारण कुछ और है शायद आपको पता है कि नहीं पता है ड्यूटी का कारण होता है उसकी वजह से बांग्लादेश वाले जो हैं वहाँ से माल ज़्यादा खरीदते हैं क्योंकि इंडिया से लेने से उनको ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगती है और भूटान से लेने से उनको कम लगती है लेकिन दूसरे देशों में इस चीज़ की कोई, कोई प्रॉब्लम नहीं है चाहे वो भूटान से खरीदे या भारत से तो वो माल खरीद सकते हैं उनके ऊपर ड्यूटी का किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता इसका मतलब ये रुख जो है दूसरे देशों का भी अभी बहुत ही क्विक मतलब बहुत जल्दी ही भारत की तरफ घूम जाएगा और भारत में भी एक्सपोर्ट का डिमांड जो है वापस चालू होने की जो आशंका है वो चालू हो चुकी है मतलब कि जल्दी ही भारत से जो निर्यात है बड़ी इलायची वो वापस होनी चालू हो जाएगी क्योंकि डिमांड ही इस तरीके की है क्योंकि एक अगर देश में डिमांड है तो निश्चित बात है तो दूसरे देशों में भी डिमांड होगी अगर एक देश में अगर उनका फेस्टिवल है तो उन्हीं के जैसे और भी बहुत सारे देश हैं वहाँ पर भी उनका फेस्टिवल होगा और उसी फेस्टिवल की फेस्टिवलों की वजह से ही ये डिमांड जो है एकदम से तेजी पकड़ेगी ये हमारी आशा है ये हमारी जानकारी है भूटान का मैंने आपको बता ही दिया कि 1500 का भाव ऑलरेडी भूटान में हो चुका है 1500 में बाइंग होकर के निर्यात हो रहा है मतलब कि बांग्लादेश के लोग 1500 में खरीद रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं और देखिए अगर 1500 में वहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम आशा कर सकते हैं कि अपने भारत में भी पंद्रह जल्दी ही चली जाएगी अगर निर्यात की डिमांड जिस तरीके से भूटान के अंदर घुसी है वैसी की वैसी निर्यात की डिमांड अगर अपने भारत में आ जाती है तो मतलब के आशा कर सकते हैं कि 1500 तक अपनी जो बड़ी इलायची है पहुंचने के कगार के ऊपर चल रही है तो देखिए मोटा मोटी तो 1500 के नज़दीक तो चल ही रही है और आगे चलेगी भी और निर्यात का अगर जो डिमांड है अगर भारत की साइड एक दो दिन में अगर घूम गया तो वैसे भी क्राइसिस मतलब माल ज़्यादा अगर जाएगा तो कहीं ना कहीं माल की कमी आनी है क्योंकि आसाम की अगर बात करते हैं तो आसाम में वैसे भी जो माल है नील के बराबर है कुछ नहीं है मतलब हम तो यही बोलेंगे कि आसाम में माल है ही नहीं जो है वो ना के बराबर है ना के बराबर मतलब मिलना ही मुश्किल है और भाव के लिए मैंने आपको कल बोला ही था कि कितने ज़बरदस्त भाव वो लोग मांग रहे हैं तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी मेरे पास में जो मैंने आपको दे दी अब भाव की बात कर लेते हैं सिलीगुड़ी और गुवाहाटी के तो सिलीगुड़ी में सेम ही भाव है फिर भी आपको दे देता हूँ नेपाल टॉप जेजे की बात करें तो तेरह सौ एक्स्ट्रा बोल्ड की बात करें तो चौदह सौ दाने की बात करें तो सत्रह सौ रुपये तो ये सिलीगुड़ी के भाव थे अब गुवाहाटी की बा... बात करते हैं तो गुवाहाटी भी कल भी निरंतर तेजी की तरफ था और आज भी तेजी की तरफ ही है जे जे की बात करें तो बारह सौ रुपये एक्स्ट्रा बोल्ड की बात करें तो तेरह सौ पिचहत्तर रुपए दाने की बात करें तो पंद्रह सौ रुपये गया है मतलब कि जो सिलीगुड़ी जो है वो थोड़ी सी मतलब वापस साइलेंट हो गई है शांत हो गई है किसी तरह के भाव अप एंड डाउन कुछ भी नहीं है आशा करते हैं जल्दी ही ये जो इसकी साइलेंट वे है मतलब शांति जो है वो भंग और आगे तेजी की तरफ बढ़े क्योंकि जब सारी इंडिया ही तेज़ी के अंदर है भूटान तेज़ी में है तो भारत भी तेज़ी में ज़रूर आएगा तो ये भाव थे सिलीगुड़ी और गुवाहाटी के और ये कुछ जानकारी मैंने आपको दी और यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी भाव और जानकारी के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद